सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक के ऊपर प्रवचन सुनाने जा रहा हूं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नष्ट किम, अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। अर्थात जो योगी हैं, विशेषकर यहां कर्म योगी के लिए प्रयुक्त है, तो जो योगी हैं वे कर्म फल का त्याग करके और अचल शांति को प्राप्त होते हैं, यानी परम शांति को प्राप्त होते हैं। नष्टकिम, यहाँ उस परम शांति के लिए, अचल शाश्वत शांति के लिए आया है। और जो योगी नहीं है, जो योग से युक्त नहीं है, उनके लिए ही यहाँ अयुक्तः आया है। तो जो योगी नहीं है वो अपने सकाम इच्छा की वजह से, सकाम कारण की वजह से, फल के प्रति आसक्त हो जाने की वजह से बंध जाते हैं। यह काफी महत्वपूर्ण श्लोक है। गीता में बहुत जगह बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें कि कर्म फल त्याग की बात है। अब एक प्रश्न उठ सकता है कि आखिर कर्म ने क्या बिगाड़ा है और कर्म फल ने क्या बिगाड़ा है कि इसके त्याग की बात उठती है। यह जो जगत है क्रियात्मक है, क्रियात्मक अर्थात यहाँ पर गतियाँ होती हैं, यानी कोई एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है और कोई एक वस्तु है तो उसका गुण होता है, उसके रंग रूप आकार प्रकार, उसका स्वभाव तत्व चरित्र होता है। तो वे क्रिया प्रक्रिया करके अन्य तत्वों से, अन्य वस्तुओं से कुछ अंजाम देते रहते हैं, रूपांतरण उनमें कुछ होता रहता है और नई वस्तुएं उत्पादित होती रहती हैं। अब इसमें कर्म यह है जहां हमारा मन शामिल हो गया उसी चीज के लिए, यानी उसके उत्पादन में हमारा मन शामिल हो गया, और जब मन शामिल हो जाता है उत्पादन में तो जाहिर सी बात है कि वस्तु में उसकी रुचि हो गई और उसकी चेतना वस्तु में निबद्ध हो गई, और तब वह जो है उसका जो खिंचाव है वो वस्तुओं के प्रति हो गया, यानी साकार अस्तित्व के प्रति हो गया, गुणों के प्रति हो गया। तो जहाँ हमारा खिंचाव हो जाता है, जहाँ हम बंध जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, बद्ध हो जाते हैं, उसके प्रति हम मोह ममता में, द्रोह में, क्रोध में, इनमें फंस जाते हैं, और इनसे क्या होता है कि उसमें हमें दुख और वेदना मिलती है और
हम पदार्थ जगत में ही रमते हैं, इसलिए कर्म फल के त्याग की बात हो गई है कि हम पदार्थ जगत में ही रमते रह जाते हैं, चेतना जगत में हमारा प्रवेश नहीं हो पाता, चेतन स्वरूप को हम नहीं समझ पाते। इसलिए भगवान ने, इसलिए गीता में बार बार कर्म फल के त्याग की बात आई है कि जिसे चेतन जगत में प्रवेश करना है, चेतन अस्तित्व में जिसे प्रवेश करना है, उसे अपने को पदार्थों की आसक्ति से, पदार्थों के साथ बद्ध होने की क्रिया से अलग करना पड़ेगा। और तब चेतना जब इससे अलग हो जाती है तो मोह ममता आसक्तियां और जो भी कड़विकार हैं ये सब दूर हो जाते हैं, और चेतन अस्तित्व को महसूस किए बिना हम समग्र अस्तित्व को महसूस नहीं कर सकते, और जब तक समग्र अस्तित्व को महसूस नहीं कर सकते तब तक हम पूर्ण नहीं हो सकते, और जब तक पूर्ण नहीं हो सकते तब तक हमें परम शांति, परम आनंद नहीं मिल सकता, परम ज्ञान नहीं मिल सकता, क्योंकि वह चेतन जगत हमारे लिए अनजाना रह गया तो ज्ञान मिला नहीं। बिना ज्ञान के शांति कहाँ, बिना ज्ञान के आनंद कहाँ, बिना ज्ञान के न्याय कहाँ, तो न्याय हम नहीं कर सकते। इस वजह से समाज में इतना अन्याय, इतना उपद्रव, इतने दुख क्लेश हैं, क्योंकि सब पदार्थ के लिए दौड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, इकट्ठा करना चाह रहे हैं, दूसरे का लूट लो, छीन लो, हड़प लो, ठग लो की मानसिकता, ऐसे कारण तमाम तरह के युद्ध, संघर्ष, लड़ाइयाँ समाज में हो रही हैं, देशों में हो रही हैं, राष्ट्रों में हो रही हैं, पूरे विश्व स्तर पर हो रही हैं, जबकि अंततः इनसे कुछ मिलना नहीं है, परंतु वे सोचते हैं कि ये संसाधन जब तक रहेंगे तब तक हम जीवित रहेंगे, हम कुछ भोग लेंगे। लेकिन जीवित क्यों रहेंगे, हम क्यों भोगेंगे, यह जब प्रश्न उठता है तो फिर वे विचलित होने लगते हैं कि सुख भोगेंगे तो फिर ये सुख क्या है। अब उनको पता नहीं सुख क्या है, बस एक क्षणिक उत्तेजना को वे सुख मानते हैं, और वह सुख हर समय जो है उनको दुख में ले जाता है, क्लेश में ले जाता है, क्योंकि उसकी पूरी प्रकृति वे नहीं जानते। इसलिए कर्म फल का त्याग जरूरी है कि हमें समग्र अस्तित्व को जानना है। कई तरह के कर्म होते हैं लेकिन मुख्य रूप से दो भागों में इनको बांट दिया गया है, एक प्रारब्ध कर्म, एक क्रियमाण कर्म। तो प्रारब्ध कर्म में जो हमने पहले कर रखे हैं, पीछे हमारे असंख्य जन्म हुए होंगे, हम असंख्य स्वरूपों में होंगे, और उनसे जो हमें प्राप्त हुआ आज, चाहे वस्तु के रूप में, चाहे अपना शरीर के रूप में, या हमें कुल वंश, देश जो भी मिला, तो ये सब प्रारब्ध कर्म से हमें प्राप्त हुए। और क्रियमान कर्म का मतलब है कि अभी हम लोग वर्तमान में जो भी कार्य कर रहे हैं वे सब क्रियमान कर्म के तहत आ जाएंगे और इसके परिणाम फिर आएंगे। और इन दोनों ही कर्मों से जब व्यक्ति अनासक्त हो जाता है, कर्म तो होंगे ही, यह तो पक्का है, लेकिन क्या हम उससे लिप्त हैं या निर्लिप्त हैं। यदि हम निर्लिप्त हैं, कर्म फल से आसक्त नहीं हैं, तब फिर वे हमें बांधते नहीं। अब सवाल उठता है यहाँ पर एक कि हम निर्लिप्त कैसे रह सकते हैं, और कर्म फल से, यहाँ पर एक और लिखा हुआ है कि युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नष्टकिम। तो अचल शांति प्राप्त होती है कर्म फलों के त्याग से, परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ कर्म तो करने के लिए बताया गया है, कर्म फल के प्रति आसक्ति बताई गई है कि त्याग दें, परंतु यह न कहीं नहीं गीता में लिखा कि आप कर्म ही त्याग दें। तो क्या परमात्मा कर्म के परिणाम है, एक प्रश्न यह भी खड़ा होता है। क्या शांति कर्म का परिणाम है, क्या परम शांति कर्म का परिणाम है, क्या परम शांति या परम ज्ञान या परम आनंद कर्म का परिणाम है।
कर्म के परिणाम परमात्मा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वे तो हर समय हर जगह उपलब्ध हैं और वे हर चीज ही हैं, तो वे कर्म भी हैं और कर्म के परिणाम भी हैं, और कर्म और कर्म के परिणाम से वे इतर भी हैं, अलग भी हैं, विराट भी हैं और सूक्ष्म भी हैं। परमात्मा के सिवाय तो कुछ है ही नहीं। तो कर्म और कर्म फल से संबंध क्या आता है? जितने भी प्रकार के तप हैं ये सब सारे तो कर्म के तहत ही आएंगे। चाहे हम कोई भी तप कर लें, कोई भी साधना कर लें, चाहे ध्यान योग की साधना करें, मंत्र योग की करें, ज्ञान योग की करें, राज योग की करें, कोई भी साधना करें। कुछ विद्वान थे जिन्होंने कि कहा कि नहीं, परमात्मा कर्म स्वरूप नहीं है, ज्ञान स्वरूप है। परंतु ज्ञान भी तो कर्म स्वरूप में आ जाएगा। जहां से हम पकड़ते हैं, जिस क्षण से विचार को पकड़ते हैं, वह विचार भी तो कर्म के तहत आ जाएगा, क्योंकि उसकी गतियां हैं। तो विचारों की गतियां होती हैं और जितनी भी गतियां हैं ये सब कर्म के तहत, क्रिया के तहत शामिल हो जाए। कर्म से गति से गत्यातीत, कर्म से कर्मातीत हमें होना पड़ेगा। तो वहां कर्म और कर्म फल दोनों ही जो है छूट जाते हैं, दोनों ही छिटक जाते हैं, अलग हो जाते हैं। परंतु ये तप से क्या होता है कि हमें संसार का बोध होता है, संसार के प्रति आसक्ति समाप्त होती है, संसार का संसार में हम तिरोहित कर देते हैं और कर्म फल दोनों ही छोड़ देते हैं। हम नाव और नाव खेने की क्रिया ये दोनों ही छोड़ देते हैं। पार उतर गए, ये दोनों ही छूट गए। और इसके बाद जब हम इन दोनों से ही छुटकारा पा जाते हैं, तब जो अवस्था होती है वह परमात्मा प्राप्ति की है। यहाँ प्राप्ति का उल्लेख है, परंतु उसको शुद्ध अर्थ में प्राप्ति नहीं कह सकते, बल्कि वो प्राप्ति प्राप्त है, हम विस्मृत किए हुए थे और हम उस चीज़ का बोध नहीं कर पा रहे थे। उतने भर तक तो इसका उपयोग है कि हम बोध कर लें। क्या हम जो कर्म चाहते हैं वो कर्म फल के परिणाम उस हिसाब से आएंगे? क्या मनोनुकूल आएंगे? क्या वे घटनाएं होंगी? क्या हम कुछ इच्छा करते हैं तो इच्छा के हिसाब से परिणाम आता है, या परिणाम आता ही आता है हम इच्छा करें या ना करें? तो हमारे इच्छा में यह ताकत है, वह जो सूक्ष्म विचार है उसमें यह ताकत है कि स्थूल विचार को उत्पन्न करे, और स्थूल विचार में यह ताकत है कि पदार्थों को आसक्त करे, पदार्थों को लगाए। यानी हम गहन इच्छा करके पदार्थों को गति देने में ज़रा सफल हो सकते हैं, बनिस्बत कि हम इच्छा ही ना करें या थोड़ी इच्छा करें और परिणाम के आने का बहुत इंतजार करें। इसलिए भगवान ने अर्जुन को इंतजार करने के लिए नहीं कहा, वेट एंड वॉच पॉलिसी नहीं कहा, आप जो है कर्म करेंगे, और कर्म करेंगे मतलब इच्छा करेंगे, और इच्छा करेंगे तो किस लिए करेंगे? कर्म फल को पाने के लिए ही करेंगे। वो अलग बात है कि जो कर्म फल है वह ईश्वर को उपलब्ध नहीं कराता है, बल्कि जो चीज़ हमें उपलब्ध हैं ये सब पदार्थ की चीज़ें, यही जो है
आसक्ति नहीं रहने की वजह से हमारे लिए उपलब्ध होते हुए भी अनुपलब्ध हो जाती है। और तब परमात्मा जो उपलब्धि उपलब्ध हैं वो प्रकट हो जाते हैं, जो कि अभी लुप्त जैसे लगते हैं या जिनका अभी अभाव लगता है। फिर लगता है कि सिर्फ वही वे हैं, और जिनका अभी अभी अभाव लगता है वे सब सब लगते हैं कि ये सब सब अभाव में चले गए, और जो अभी भाव लगता है वे सब सब परमात्मा रूप में ही प्रकट हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र है वह कहता है कि ग्रहों के हिसाब से आपको परिणाम मिलते हैं। ये ग्रह क्या हैं हमें थोड़ा इसको भी समझ लेना पड़ेगा। जैसे ज्योतिष में सूर्य ग्रह की बात होती है तो सूर्य का मतलब हमारी आत्मा, आत्मा का कारक बताया जाता है ज्योतिष में सूर्य को। उसी तरह से ज्योतिष में चंद्र है तो चंद्र का मतलब हमारा मन। यानी ज्योतिष में भी सब कुछ वही कहा गया है। उसी तरह से बुध है यानी हमारी बुद्धि, उसी तरह से बृहस्पति है गुरु यानी ज्ञान, उसी तरह से अन्य ग्रह भी हैं जैसे शुक्र, शुक्र का अर्थ है ऐश्वर्य, विरोधी ज्ञान, यानी जो हमें द्वंद्व की अवस्थिति होती है तो उसमें एक हाँ होता है एक ना होता है, एक एक दिशा में ले जाता है दूसरे दूसरी दिशा में ले जाता है। तो हर सकारात्मक का नकारात्मक जो है वह पक्ष या हर का एक विरोधी पक्ष जो है शुक्र को बतलाता है। और हमारे में काव्य की जो शक्ति है, कला की जो शक्ति है, ये सब सब शुक्र के तहत आते हैं। भाव की जो शक्ति है यानी भौतिक शक्तियों का जो रुझान है वह शुक्र के तहत आ जाता है। इसीलिए कामुकता कामनाएं भी इसी के तहत आती हैं। उसी तरह से शनि है जो हमारे भीतर में न्याय प्रियता है, जो हमारे भीतर संघर्ष करने का माध्यम है, जो लगातार सतत परिश्रम करने की बात है, वो सब सब भावनाएं शनि के तहत आ जाती हैं। उसी तरह से राहु केतु हैं, ये एनर्जी एक्सिस माने जाते हैं ज्योतिष में, यानी राहु एक तरह से और केतु एक तरह से ये काल है, यानी राहु भविष्य काल है और केतु भूतकाल है। केतु अध्यात्म को बताने वाला है तो राहु भौतिकता को, भौतिक समृद्धि को, छल कपट को। तो ये सब जो हैं ये सब हमारे भीतर की जो मनोभावनाएं हैं, जो हमारा चरित्र है, स्वभाव है, उन सबको वहाँ ग्रहों से इंगित किया गया है। तो आखिर हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं इन्हीं की वजह से प्राप्त करते हैं, अपने इन्हीं मनोभावनाओं की वजह से। यानी हम जिस तरह की भी इच्छा करते हैं उसके जरिए हमें पदार्थ की प्राप्त होती है, फल की प्राप्त होती है। वह हमें कर्म को मजबूर करते हैं और उसके अनुसार हमें फल मिलते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हम जो भी इच्छा करें वो फल मिलेंगे, क्योंकि कोई भी जो फल है वो असंख्य कारकों की अभिव्यक्ति है, उसमें से कुछ एक कारक हमारे पास होते हैं।
और बाकी कारक जो है प्रकृति के तहत और अन्य प्राणियों के तहत होते हैं। तो इन सबकी अगर सहमति हो जाती है, सबका सामंजस्य बैठ जाता है, तो हमें अपनी इच्छा अनुसार फल प्राप्त हो जाते हैं। तो हम गुमान में हो जाते हैं कि मैंने अपने कर्म करके अपने हिसाब से परिणाम पा लिया, तो फिर हम अन्य को भुला देते हैं, अस्तित्व को भुला देते हैं, परमात्मा को भुला देते हैं, प्रकृति को भुला देते हैं, अन्य प्राणियों को भुला देते हैं। इसलिए यहाँ पर कर्म फल के त्याग की बात की है कि हम भुला देने पर हम बन जाते हैं, हम कृतज्ञ हो जाते हैं। तो जो कर्म योगी हैं वे निष्काम भाव से कर्म करते हैं, ऐसा नहीं है कि वह उद्देश्यहीन होकर के जो मन सो अनर्गल बेतरतीब अव्यवस्थित ढंग से कर्म नहीं करते, वे कोई पागल नहीं है, उनका भी एक लक्ष्य होता है, अपने उस लक्ष्य के तहत अपने उस ज्ञान के तहत ही वो कोई कार्य करते हैं और उनका लक्ष्य है इस वेदना से दुख से मुक्ति पाना, जन्म मरण से मुक्ति पाना, कष्टों से मुक्ति पाना, भोगों से अपने को प्राण करना और ईश्वर की प्राप्ति, तो ये सब लक्ष्य होते हैं, या ज्ञान की प्राप्ति या शांति की प्राप्ति। तो जितने भी तपस्वी हैं वे कोई बेतरतीब कर्म नहीं करते, अव्यवस्थित नहीं करते हैं, बहुत योजनाबद्ध तरीके से, सुनियोजित तरीके से, क्रमबद्ध चरणबद्ध कार्य करते हैं, कर्म में भी लगे रहते हैं, परंतु साथ ही साथ कर्म फल और कर्म का त्याग भी करते रहते हैं। यानी वे कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते रहते हैं, इस अस्तित्व को समर्पित करते रहते हैं, संसार को समर्पित करते रहते हैं, प्रकृति को समर्पित करते रहते हैं। और इसलिए यहाँ तो कर्म और कर्म फल दोनों को ही त्याग कर दिया गया, हालांकि वे कर्म भी करते हैं और कर्म फल भी उन्हें प्राप्त होते हैं, परंतु वे अपनी तरफ से इनका त्याग कर देते हैं। यहाँ जो जड़त्व होता है संसार के संबंध से, उस संबंध से जड़त्व को हटाने की बात की गई है, और वही जो जड़त्व है वह सकाम कर्मी में होता है, जिसको अयुक्त भगवान ने यहाँ कहा है कि अयुक्त काम कारेगा। तो काम यानी कामना के कारणों से जो चलायमान हैं वे फलों में बंध जाते हैं, फल से आसक्त होने की वजह से बंध जाते हैं, कर्म में भी बंध जाते हैं, कर्म फल में भी बंध जाते हैं, और इस वजह से वे जन्म मरण के चक्र में फंस जाते हैं, और इस जन्म मरण के चक्र से ही मुक्ति का प्रयास सभी संतों ने बताया है, सभी शास्त्रों ने बताया है, और उसी को निर्वाण, परमबोध, मुक्ति आदि बताया है। तो हमें पदार्थों से कोई विरोध नहीं करना है, या नहीं कि उनसे पंगा लेना है, अगर विरोध कर दिए तो इसका अर्थ यह हो गया कि हम कहीं ना कहीं फिर द्रोह में हो गए, किसी व्यक्ति से द्रोह करें या किसी वस्तु से द्रोह करें या पदार्थ से द्रोह करें तो फिर हम फंस जाते हैं, द्रोह से फंस जाते हैं। तो न द्रोह न मोह क्या विज्ञान है हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। तो हम पदार्थों को उसके स्वरूप से त्यागने की बात नहीं करते हैं, उसका संबंध तो चलता रहेगा, लेकिन हमारे जो आसक्ति है उसी के त्याग की बात है, ममत्व तो उसमें या द्रोहत्व तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही बांधने वाले हैं, ये दोनों ही हमें योग युक्त होने से रोकते हैं। तो यहाँ पर इसका ऐसा ही अर्थ है, हमें कर्म फल में यह ठीक है
जितने भी योगी हैं उनके मन में सिद्धि की तो कामना है ही, भक्ति की तो कामना है ही। तो कोई कह सकता है कि भाई भक्ति की कामना या सिद्धि की कामना या ज्ञान की या शांति की कामना भी तो कामना है। यह बात एक अर्थ में सही है कि फलाशक्ति है वह, परंतु वह बात काफी सूक्ष्म स्तर पर है। और जब उस सूक्ष्मता का भी त्याग हो जाता है, जब वह भी बोध देने जाता है कि हमें भक्ति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, हमें शांति चाहिए, उसका भी जब निस्तार हो जाता है, वह भी जब तिरोहित हो जाता है, उससे भी जब हमारी चेतना हट जाती है, इतने हम लीन हो जाते हैं कि हमें इसका भी पता नहीं कि किस लिए लीन है। वह जो है बिंदु, महाशून्य जैसी बिंदु, पूर्ण जैसी बिंदु अवस्था, वो अपने आप उपलब्ध में हो जाती है। जब हम भूल भी जाते हैं कि हमें क्या उपलब्ध होना है, हमारा दिमाग ही उसमें नहीं रहता, जब हमारी चेतना उसमें नहीं रहती, यानी वह जो सूक्ष्म आसक्ति की बात हो सकती है, क्योंकि तर्क के लिहाज से भी देखना होगा, तो बहुत सूक्ष्म आसक्ति की ईश्वर हमें प्राप्त हो जाए, कि शांति हो जाए, कि निर्वाण हो जाए, कि दुख से मुक्त हो जाए, जन्म मरण से मुक्त हो जाए, ये सब जो फलाशक्ति है, यह सब भी तिरोहित हो जाना चाहिए और हो जाता है। तो यही यहाँ पर अर्थ था भगवान का, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक में से एक है कि फल आसक्ति हो कि न, कर्म और कर्म फल आसक्ति दोनों से ही जो है कि मोह द्रोह से हमें मुक्त हो जाना है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म जो आसक्तियाँ हो सकती हैं उनसे भी मुक्त हो जाना है। ओम हरि। ओम।